नूरपुर के व्यापारिक कस्बा जसूर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जसूर की सर्विस लेन और मेन सड़क के दोनों तरफ भारी संख्या में गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। जहां एक ओर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, वहीं दूसरी ओर दुकानदार अपनी अपनी दुकान का सामान अपनी दुकान से बाहर बने फुटपाथ पर रख देते हैं, जिससे पैदल आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब भी किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाने वालों पर नुकेल कसी जाती है, तो कुछ समय तक तो सब ठीक ठाक रहता है और ना तो कोई गाड़ी सर्विस लेन पर और ना ही मेन सड़क पर खड़ी रहती है, बल्कि दुकानदार भी अपनी दुकान का सामान दुकान के अंदर ही रखते हैं। परंतु कुछ समय के बाद फिर वही लोग कानून की सरेआम धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं, जैसे मानो कानून उनके लिए सिर्फ एक खेल बनकर रह गया हो। कस्बा जसूर में सुबह से लेकर शाम तक दुकानदार अपनी गाड़ियां अपनी दुकानों के सामने खड़ी कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जसूर में स्थित बैंकों के कर्मचारी अपनी गाड़ियां सुबह से शाम तक मेन सड़क या सर्विस लेन में खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कस्बा जसूर में पार्किंग की व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगाने की बजाय मेन सड़क या सर्विस लेन में तथा बैंक के बाहर लगा देते हैं। इसके बारे में जब एसडीएम नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि कस्बा जसूर की यातायात की समस्या और दुकानदारों द्वारा दुकान का सामान फुटपाथ पर रखने के बारे में उन्हें पता चला है और उन्होंने कस्बा जसूर व्यापार मंडल को इसके बारे में नोटिस निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में पुलिस को भी यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपनी अपनी गाड़ियां पार्किंग में लगाएं और अपनी अपनी दुकान का सामान दुकान के अंदर ही रखें, ना कि फुटपाथ पर। अगर फिर भी कोई कानून की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दुकानदार की गाड़ियों का चालान कर गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और जिस दुकानदार का सामान फुटपाथ पर मिला उसका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी गाड़ी मालिक और दुकानदार की होगी, जिस गाड़ी सड़क पर और दुकान का सामान फुटपाथ पर रखा होगा। मेरे ध्यान में ये मामला लाया गया है कि जसूर इलाके में जो है शॉपकीपर्स और लोकल वेंडर्स जो है अपने सामान को दुकान के बाहर डिस्प्ले कर रहे हैं, जिससे जो है चलने फिरने में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी मेरे ध्यान में ये भी लाया गया है कि सर्विस लेन के दोनों साइड्स पे जो है अनाधिकृत रूप से गाड़ियों की पार्किंग की जा रही है। तो मामला मेरे ध्यान में लाया गया है, मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को लिखा है कि मामले में एक्शन इसकी इस पे जो है अपनी डिटेल रिपोर्ट मुझे सबमिट करें और हम जो है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान हमारा यहाँ का बना है उसको हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम उसे।